हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा क्रॉनिक नौशिया या जो लगातार जी मिचलाता है या मॉर्निंग टाइम में जो जी मिचलाता है इसके बारे में। इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि आप सो के उठते हैं, फॉर नो रीजन आप देखते हैं कि आपने ब्रश किया, इसके बाद लगता है कि जी मिचला रहा है। ये जो जी मिचलाने की प्रॉब्लम है या क्रॉनिक नौशिया है या दिन भर ऐसा लगता है कि जी मिचला रहा है, इसके बारे में बात करूंगा मैं आज। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। हमारे जो व्यूअर्स न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। तो जहां तक क्रॉनिक नौशिया का सवाल है, ये बात सही है कि इसकी कुछ सच्चाई है कि जब आपका जी मिचलाता है, जब आपको लगता है कि उल्टी हो जाएगी, तो उसके साथ में कुछ सिम्टम्स आते हैं जो आपको पहचानने की जरूरत है। जबकि आप जब भी आपका जी मिचलाएगा तो आपको बहुत वीकनेस महसूस होगी, एकदम ऐसा लगेगा कि बॉडी की जो एनर्जी है वो बाहर हो गई है, बॉडी एकदम ड्रेन हो गई है। अगर आपका जी लगातार मिचलाता है, आपको लगातार नौशिया परसिस्ट करता है, तो आपको पसीना आएगा, काफी ज्यादा स्वेटिंग होगी। ऐसे ही अगर आपका को नौशिया होता है या वॉमिटिंग का सेंसेशन रहता है, तो लगातार मुंह में लार बनेगी या सलाइवा बनेगा, तो मुंह में ज्यादा ज्यादा जो है लिक्विड मटेरियल होगा, तो वीकनेस आएगी, स्वेटिंग होगी और मुंह में आपके सलाइवा बनेगा। और नौशिया अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो अल्टीमेटली ये वॉमिटिंग की तरफ ले जाएगा या वॉमिटिंग हो जाएगी। ये बात सही है कि कभी कभार जो नौशिया होता है या कभी कभार जी मिचलाता है वो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार लगातार जो जी मिचलाना है ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो नौशिया उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे आज हम। नाउ लुक एट द सिम्टम ऑफ क्रॉनिक नौशिया। जब भी आपको क्रॉनिक नौशिया होगा तो जी मिचलाएगा, लगातार जी मिचलाएगा, जी मिचलाने के साथ आपको बार बार ऐसा लगेगा कि कहीं वॉमिटिंग तो नहीं हो जाएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके साथ में आपको बहुत वीकनेस लगेगी, अगर ज्यादा बार बार जी मिचलाएगा तो पसीना छूट जाएगा और मुंह में बहुत ज्यादा लार या सलाइवा आएगी जो बार बार मुंह में भर जाएगी। ये बात सही है कि आपको लगेगा बार बार इस नौशिया के साथ में या जो ऊपर की तरफ आ रहा है कि वॉमिटिंग हो जाएगी एंड आपको बार बार जो है बाथरूम की तरफ रन करने की जरूरत पड़ेगी। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर बार उल्टी हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम जो नौशिया होता है वो ड्राई नौशिया होता है या एक वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है। आप जाते हैं, आप ताकत लगाते हैं लेकिन निकलता कुछ नहीं है। तो जो क्रॉनिक नौशिया है यूजुअली विदाउट वॉमिटिंग होता है। नाउ लुक एट द एपेटाइट। जहां तक नौशिया या जी मिचलाना के सवाल है या एपेटाइट के सवाल है, ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी हैं। अगर आपका लगातार जी मिचलाएगा, कभी कभार आपको वॉमिटिंग होगी तो आपकी भूख एकदम खत्म हो जाएगी। इसलिए कि एपेटाइट एंड नौशिया बिल्कुल अपोजिट पोल्स पर होते हैं, तो परसिस्टेंट जो नौशिया है वो आपकी भूख आपकी एपेटाइट उसको खत्म कर देती है, आपको एनोरेक्सिया डेवलप हो जाता है। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर कंटिन्यूअस आपको नौशिया है, परसिस्टेंट बना हुआ है या मॉर्निंग टाइम में है, तो लगातार आप जो रेच करते हैं, लगातार आपका जी मिचलाता है, तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है जैसी आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। तो नौशिया के साथ एक वॉमिटिंग का सेंसेशन तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग या बहुत पसीना भी आता है। इनके पसीना कभी कंफ्यूजन भी पैदा करता है कि कहीं कोई ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो सामान्य नौशिया है वो किसी भी तरह का कोई चेस्ट पेन लेके नहीं आता है। नो, जो नौशिया है या बार बार वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा, उसके साथ में खाने की थैली, खाने के यहां के जो एब्डोमेन की मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स, इनके रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, बार बार कॉन्ट्रेक्शन होते हैं कि वॉमिटिंग हो जाएगी, बार बार कॉन्ट्रेक्शन होते हैं कि उल्टी के लिए जाना पड़ेगा। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इस पूरे के पूरे एरिया को डिस्कम्फर्ट कर देते हैं, इन द सेंस कि आपका जो स्टमक है वो बार बार रेच करता है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें जो है दर्द आने लगे। ये बार बार ऊपर की तरफ जो ना रेचिंग के चलते, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एपिगेस्टिक जो मसल्स हैं यहां के जो मसल से, इनमें दर्द आने लगे। इन बार बार अगर आप रेच करते हैं तो वास्तव में आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं इनमें भी दर्द आने का डर रहता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर बहुत रेचिंग हो रही है, नौशिया बार बार परसिस्ट कर रहा है, इन वॉमिटिंग का सेंसेशन बार बार आ रहा है, तो ये जो खाने की थैली और इसके सामने के ऊपर की एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये पुल होती हैं बार बार वॉमिटिंग करने के लिए, और ये बार बार जो ना कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पुल होती हैं वॉमिटिंग करने के लिए, तो इनमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सोरनेस, एक
पेन डेवलप हो जाता है, जो एपिगेस्टिक पेन जैसे महसूस होता है, तो एपिगेस्टिक पेन नौशिया का रीजन नहीं होता है, वो कभी कभी नौशिया का रिजल्ट होता है, जो बार बार आप रेचिंग करते हैं या ताकत लगाते हैं। Now, जब भी नौशिया होगा या जी मिचलाएगा या उल्टी जैसा मन करेगा, तो आपका ये जो चेस्ट का एरिया है, आपका अपर एब्डोमेन का एरिया है, इन गले में पीछे की तरफ आपको बहुत अनइजी सेंसेशन डेवलप हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअसली ऐसा लगेगा कुछ अनइजी सेंसेशन है, इन उसके पीछे पीछे जो है नौशिया या वॉमिटिंग का सेंसेशन भी आएगा। और अगर ये अनइजी फीलिंग, नौशिया का फीलिंग ये इंटेंस होगी, तो वॉमिटिंग का सेंसेशन आके वॉमिटिंग भी होने का डर रहेगा। तो जब भी नौशिया परसिस्ट करता है, तो एब्डोमेन में, चेस्ट में एंड खाने के गले के पीछे के एरिया में एक अनइजी फीलिंग आती है। जैसा मैंने कहा कि अगर ये जो अनइजी फीलिंग है ये कंट्रोल नहीं हुई, तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। वॉमिटिंग होगी तो उसमें सभी जो है ना एक पूरा का पूरा सीक्वेंस डेवलप हो जाएगा, इन द सेंस कि आपको नौशिया हुआ यानी जी मिचलाया, जी मिचलाने के साथ आपके खाने की थैली, खाने की नली, गले के पीछे अनइजी सेंसेशन आया। इसके साथ में खाने की थैली, ये मसल्स, खाने की नली, इनमें एक रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन चालू हुए और रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन के साथ जो ताकत लगी उसके चलते ये वॉमिटिंग डेवलप हो जाएगी। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है जो नौशिया या जी मिचलाने लेके चलता है। और अगर बार बार वॉमिटिंग होगी तो ये बात सही है कि इस एरिया में आपको पेन आ जाएगा। तो जहां तक नौशिया का सवाल है या जी मिचलाता है, जो खाली पेट पर मिचलाता है वो अपने आप में प्रॉब्लम है। लगातार दिन भर अगर जी मिचलाता है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जो परसिस्टेंट नौशिया है या जो क्रॉनिक नौशिया है, वो अपने साथ बहुत सारे सिम्टम्स लेके चलता है, सिम्टम्स की बारात लेके चलता है। अगर हम इस बारात या सिम्टम्स को ध्यान से देखें तो वास्तव में ये वीकनेस लेके आएगा, ये आपको स्वेटिंग लेके आएगा, एंड ये बहुत आपको अनइजीनेस की जो ना फीलिंग लेके आएगा। इसके साथ जब इसका पूरा सीक्वेंस डेवलप होता है, तो चेस्ट की मसल्स, एब्डोमेन की मसल्स, खाने की नली, गला, इन सब में एक डिस्कम्फर्ट पेन चालू हो जाता है जब ये पूरा सीक्वेंस फॉलो करता है। तो अगर नौशिया एंड उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स जो सवेरे के समय आते हैं या डे टाइम में आते हैं, उनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।